बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान हुकूमत और तालिबान के दरमियान सबसे अहम नुक्ते पर समझौता होने के करीब है, जिसने दोहा में अमन मुज़ाकरात को रोक दिया था। 12 सितंबर से शुरू होने वाले मुज़ाकरात पहले इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से जारी थे, लेकिन फिर उसमें कई ऐसे मसाइल पेश आए जिसने मुज़ाकरात को रोक दिया। उनमें से सबसे अहम मसला शिया और सुन्नी फ़िक़ा था, और इस बात पर इख्तिलाफ पैदा हुआ कि तनाज़े के बाद अफगानिस्तान में कानून की तश्कील के लिए किस इस्लामी फ़िक़े के तर्जुमाने की जाएगी। तालिबान एक सुन्नी तहरीक है, इसलिए उन्होंने सुन्नी इस्लामी फ़िक़ा के हनफी मकतब को सख्ती से अमल पैरा होने पर जोर दिया, लेकिन हुकूमत को खौफ था कि इस शिया बरादरी और दीगर मजहबी अकलियतों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा सकता है। अफगानिस्तान की कौमी मपाहिमत के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, जो काबुल मुजाकिरात टीम की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि दोहा में कई इजलासों के बाद ये मामला बड़े हद तक हल हो चुका है। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि परिकेन शिया तबकात या अकलियतों को बिला इम्तियाज सुन्नी फ़िक़े के किरदार के बुनियादी मसले को तस्लीम करने के लिए आर्जी तौर पर इतफाक किया है, और बाकी मसले बहुत जल्द हल हो जाएगी। तालिबान ने हमेशा ये इसरार किया कि सदर अशरफ गनी की हुकूमत अमेरिका की कठपुतली हुकूमत है, लेकिन फरवरी में अमेरिका के साथ तालिबान के मुआहदे में तालिबान को अशरफ गनी हुकूमत तस्लीम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और मुआहदा तय हुआ, लेकिन उसने आने वाले इंटर अफगान मुज़ाकरात को ख़तरे में डाल दिया, क्योंकि तालिबान अब भी अशरफ गनी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और ये खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह तालिबान अब किसी भी मुस्तकबिल के अमन मुआहदे को हुकूमत के वाज़ हवालों से खारिज करने और इस मुआहदे को किसी भी तरह इंटर अफगान मुज़ाकरात के तौर पर तय करने की ख्वाहा है। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला, जो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर आ चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान से अपील करते हुए कहा कि वो इंटर अफगान मुज़ाकरात में अपना भरपूर किरदार अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को अमेरिका से मुज़ाकरात करने के लिए राज़ी किया था, जिसने मौजूदा अमन मुज़ाकरात की राह हमवार कर दी। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने कहा कि मैं मजबूत जज्बात और उम्मीद के साथ पाकिस्तान से जा रहा हूँ, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमन में अपना किरदार अदा करे। डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकाती की, और इंटर अफगान मुज़ाकरात के हवाले से तबादले ख्याल किया। नाज़रीन, याद रहे कि अफगानिस्तान में बहुत से लोग पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तालिबान को असला और मदद पाकिस्तान फराहम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने कई बार इसकी तरदीद की और कहा कि हमारा मकसद एक पुरअमन अफगानिस्तान है, क्योंकि जब वह अमन होगा, खुशहाली होगी, तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कई बार दुनिया के बड़े बड़े फोरम्स पर अपने इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए कोई फौजी हल नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर और मुज़ाकरात से ये मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।